बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 8। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, जो कि शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पर मौजूद है। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जिसका सिंबल है जी ZEFF। सो कहते जी द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मौजूद हो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। वो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ मौजूद हो, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान। अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जो कि दो पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव। So, कहता है कि इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में मौजूद है किसके, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अगर आप देखो इस डायग्राम में, तो ये जो एंड वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये आउटर मोस्ट शेल है इस एटम का, और ये जो आपको अंदर वाले दो शेल नजर आ रहे हैं ये इनर शेल्स कहलाते हैं और ये न्यूक्लियस है। तो कहता है कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखो ना, इस तरह ये सोडियम का एटम है तो इसके आखिरी शेल या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन है ना, जिस तरह फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड में 8 हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस। आपको मालूम होना चाहिए ना कि जो न्यूक्लियस होता है, जिस तरह मैंने अभी बताया, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, तो कहते हैं कि ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहाँ पर है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फेल्ट महसूस होती है बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, जो के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिसको फेल्ट करते हैं। ठीक है, सो द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसकी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो पार्शियली रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस होती है? देखो ना, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये उस तरह से न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस तरह से वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी में या एब्सेंस में कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में कमी आती है किसकी वजह से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो कहते हैं द अट्रैक्शंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शंस है, कशिश है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ, इज पार्शियली रिड्यूस, थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एज अ रिजल्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके नतीजे में जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज, वो उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना उनको असल में करना चाहिए। किसकी वजह से नहीं कर पाते, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो कहते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज, असल चार्ज के बजाय, व्हिच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर तो हम इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन देखें आउटर इलेक्ट्रॉन पर इन द एब्सेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमेशा कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, 2019 लाहौर बोर्ड में आ चुका है। कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह देखो ये अगेन सोडियम का स्ट्रक्चर है, तो इसके ये जो पहले शेल के और दूसरे शेल के जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, स्क्रीन और शील्ड बना देते हैं, एक स्क्रीन के तौर पर एक्ट करते हैं, एक शील्ड के तौर पर अट्रैक्ट करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो कशिश है फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जिसको महसूस करते हैं।
तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, रिड्यूस करते हैं अट्रैक्शन किसकी, न्यूक्लियस की, किसके लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए. दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. कहते हैं विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑल्सो इंक्रीजेज. तो आपको पता है ना एटॉमिक नंबर जी किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन. और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कहते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो है वो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं. दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. और उसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बढ़ेगा. सो कहते हैं गिव द वेरिएशन ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट की तब्दीली का रुझान हमसे पूछ रहा है. ठीक है, तो 2013, 15, 16, 18 काफी बार ये रिपीट हो चुका है. जस्ट ट्रेंड पूछे तो ट्रेंड जो है वो आप दो तरह से देखते हो, ग्रुप में देखते हो और पीरियड में देखते हो. तो कहते हैं ग्रुप में देखते हैं पहले. द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस क्या होता है, बढ़ता है. हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज ग्रुप में इंक्रीज हो रही है तो वो पीरियड में नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, तो द शील्डिंग इफेक्ट increases down the group in the periodic table. Because of this it is easy to take away the electron. देखो ना, जब आखिरी shell और nucleus की attraction कम होगी तो आखिरी shell के electron को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. So कहते हैं down the group, एक group में ऊपर से नीचे आते हुए shielding effect जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है. जिस तरह देखो ना, sodium और potassium ये group number one से बिलोंग करते हैं. सोडियम पहले आता है और पोटेशियम बाद में. तो ये इसका मतलब है, ये ग्रुप में ऊपर सोडियम होता है और नीचे पोटेशियम होता है. देखो आप सोडियम के पास कितने शेल्स हैं, देखो कितने सर्कल है, काउंट करो 1, 2, 3 और इसमें देखो कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं. तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान सिर्फ 2 शेल हैं, जबकि पोटेशियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसके दरमियान 3 शेल हैं. आप मुझे बताओ 2 इनर शेल वाली का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या 3 इनर शेल वाले. ऑब्वियसली जो 3 इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. तो इसलिए वो कह रहा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है. और उसने एग्जांपल भी यही दी है कि पोटेशियम का शील्डिंग इफेक्ट को जो है वो सोडियम से ज्यादा है, इसलिए पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा ना शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो उसको निकालना आसान रहेगा. So, the shielding effect is more in potassium than that of sodium atom. Then in period, similarly, shielding effect decreases in a period if we move from left to right. So, period mein jab hum left to right jayenge, to shielding effect kya hoga? Decrease hoga. So, that's all about for today's lecture. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Stay blessed.